हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और यह क्लास 9 का क्वेश्चन है और चैप्टर्स का नाम है पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 2.5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। इफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, सो दैट x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है कि मेरा क्वेश्चंस में दिया है कि सम ऑफ x + y + z इक्वल 0 दिया है, तो हमको प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है, x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चंस में क्या दिया है, x + y + z इक्वल टू 0 दिया है, यस या नो। हम क्या करते हैं, इसको x + y इक्वल टू, ये जेड को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव तो ये किधर नेगेटिव हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब क्या है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, x + y का होल क्यूब इक्वल टू -z का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। अब देखिए, हम अभी x + y का होल क्यूब है तो हम लोग को पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज a³ + b³ + 3a² 3 या 3ab * a + b हम ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो। तो हम अभी x + y का होल क्यूब को हम इस फॉर्म में a + b का होल क्यूब में लिखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो कितना हो गया, x³ + y³ + 3xy * x + y लिख सकते हैं इक्वल टू, देखिए -z - z - z 3 टाइम्स होगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो कितना माइनस इसको z³ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, x³ + y³ + 3xy लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, x + y का वैल्यू हम कितना माने थे, x + y का वैल्यू -z, तो हम यहाँ पे -z लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू -z³। अब क्या करते हैं, इसको x³ + y³, अब देखिए 3xy * -z दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू -3xyz इक्वल टू -z³। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, अभी x³ + y³, इसको z³ को इधर लाते हैं तो प्लस आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और इसको इधर लेके जाते हैं तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, 3xy, यहाँ पे xyz होगा, 3xyz। तो हम लोग को क्या बोल रहा था कि इफ x + y + z का वैल्यू दिया है 0, तो हमको क्या प्रूव करना था, x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। तो हम लोग का रिजल्ट कितना आया कि x+y+z³ इक्वल टू 3xyz, यही हमको प्रूव करना था। नाउ दिस इज द प्रोसेस हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।